वेलकम माई यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने काम में स्वस्थ होंगे या मस्त होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, और पहले ये बताइए कमेंट में ये चश्मा कैसा है, अभी न्यू कार लिए हैं। और क्या बोलते हैं, जा रहे हैं आज अपने खुद के स्विमिंग पूल में, और आप स्विमिंग पूल में, और आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है हमारा स्विमिंग पूल। ये है हमारे साथी, और स्विमिंग पूल में ऐसा नहीं है जैसे मगर मच्छ नहाते हूँ पापा के। हाँ, क्या बोला तूने? जैसे मगर मच्छ नहाते हूँ। गजब बेइज्जती है। वहाँ पापा की परियां नहीं रहती हैं। वहाँ पापा की परियां नहीं रहती हैं, और ये सब लोग मेरे साथ जाएंगे। हालांकि इसका चड्ढा थोड़ा निपचता है, पर कोई बात नहीं, ये नारा बांधा है, नहीं निपचेगा यार। गजब बेइज्जती है। थोड़ा निपचता है, पर कोई बात नहीं, ये नारा बांधा है, नहीं निपचेगा यार। बताए हैं कि आप लोगों को एक स्विमिंग पूल, अपने स्विमिंग पूल में दिखा रहे हैं। ये रहा व्यू, चेक करिए गाइस, ये रहा शानदार स्वीट हार्ट अपना व्यू। मजा आया। तो क्या स्विमिंग पूल। और ये रहे हमारे भाड़ा में चल रहे किरायादार वाले आदमी। ये लोग नहर के नाम से जानते हैं, नहर नहीं, इसको बोलते हैं लगेज दिखा रहे हैं। एकदम माने तो नीला पानी, या कहो तो काला पानी। एकदम इसमें बहुत ही, अबे देखना है वो बंदा जो निकल रहा ना यहाँ से, तो एक नंबर के जाई पानी में घुसे, उसके बाद एकदम लाल आई, लाल लाल। आप लोग समझ रहे हैं लाल क्यों आएगा, क्योंकि इसमें पत्थर के अलावा कुछ नहीं आए। मौत को छू के तो लागत से खपड़ी पड़ी चाटी हुई जाती। गजब बेइज्जती है। तो लागत से खपड़ी पड़ी चाटी हुई जाती। एक बे आए रहे ना इधर देख रहे हैं, मतलब ये वाला नहीं, इसके ऊपर एक बार मैं आई इधर स्टैंड कर रहे थे, थोड़ा पानी था, नेटाई के भर गाड़ गान। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल हमारे में तेरे बाप। तब नेटाई के भर गाड़ गान था हमारे लग का चोट। जब से नहर बंद कर दिया आज भाई लोग बोले, कहे कि चलो अपने स्विमिंग पूल में चल रहे हैं, जो मेरे पापा जी नहीं उसके पापा जी जो उसके पापा जी ने यहाँ बनवाया था 10 साल पहले किसानों के लिए, ये सुविधा है। और यहाँ देख सकते हैं भाई लोग, अरे किस तरह कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, मस्ती कर रहे हैं। ए फालतू नहीं, ठीक है ना, देखो भाई कैसे लोग मस्ती कर रहे हैं। भाई एक बार कुछ बोल दो ऑडियंस को लाने के लिए। थोड़ा एक भाई था वो ज्यादा थोड़ी घबराने लगा था, और गलत गलत सीन करने लगा था, जिसके कारण मैं कैमरा बंद कर दिए थे। और फिर से आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ का शानदार स्वीट हार्ट अपना स्विमिंग पूल। और अच्छा बता दें आपको, दरअसल मेरे को इस समय टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में जो काम चल रहा था, काम के बदले मेरे पापा जी या डैडी या फादर कोई मां कोई नहीं देते हैं, और कहते हैं तू सब ये कुछ ना कर पाएगा। मैं भी अपने, मैं किसी के नहीं सुनता, और मैं मौत को टक से छू के वापस आ जाते हैं। मालूम है क्या, इधर देख सकते हैं, मौत को चुके तक से वापस आ जाते हैं। बोले तो ये लोग ऐसे ही पानी में मजा कर रहे हैं, सुंदर लोग ऐसे गली रास्ते में मिलते रहते हैं। क्या बोला साले का खोपड़ी तोड़। अभी और जो मेरे आदमी थे वो करीब नहीं आ पाए, इधर आएंगे, वो भी आएंगे, बट अभी वो लोग अपने अपने काम पे हैं, जिसके कारण हम भर आए। थोड़ा हम नहा लें, इसके बाद आपको भी दिखा रहे हैं इसके पानी के अंदर जाने के बाद कितना मस्त या कितना। अभी आप जान सकते हैं कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी में पानी आप लोगों को मालूम है कितना अच्छा लगता है। तो भाई मिल रहे हैं आपको सीधा अंदर 10 मिनट के बाद, अभी तुम्हारा कपड़ा वपड़ा उतारेंगे, फिर इसके बाद सीधे अंदर जाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कैसा लग रहा है नहाने में। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहो, और भाई को अपने सपोर्ट करते रहो, थोड़ी थाड़ लाइक शेयर कमेंट करते रहो, और छोटी मोटी जो गलतियां होती है तो उसको बताते रहो, ताकि हम वो गलतियों को सुधार करते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको सीधा पानी के अंदर या अपने स्विमिंग पूल के अंदर। क्या बोलती कंपनी, बहुत ही गुड बड़े बाबा।
तो गाइस पानी का ये जो पानी है बहुत ही दिल मांगता है दिल दिल अरे हाँ हेलो गाइस, मैं आज जा रहे हैं चश्मा लगा के पानी पे और देखते हैं कैसे जाते हैं। ये गाइस दिखाइए दिखाइए भाई मेरा चश्मा हाँ तो भैया मैं आपको बता दे, मेरे को शैम्पू लगाने के बाद दिखता नहीं है तो मैं चश्मा लगा ली। लोगों के लिए इतना शैम्पू वम्पू लगा रहे हैं तो आप लोग भी कुछ गरीबों को कृपया दिखा दे। हाँ यार भैया मेरा चश्मा ना भाभी तो भैया मैं आपको हाँ तो भैया मैं आपको जाओ, वीडियो ही नहीं बनाना, गजब बेइज्जती है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे थे, मेरा चश्मा कुछ नहीं ये रहा ना, ये इधर रहा है और ना चुके हैं। भैया मैं जो बता दें आपको, ये जो चश्मा है ना, ये पस्ती का हस्ती ब्रो, ये गाना तो सुने होगे ना। मैं पहले काला वाला चश्मा लेने वाला था, तो काला वाले में क्या है कि ये जो मेरे घर के आदमी या मेरे घर के जो सदस्य थे तो वो बोल रहे थे कि एकदम करिए जैसे कोई आंधर वाला चश्मा हो, तो इसलिए हम थोड़ा आपको दिख रहा होगा थोड़ा लाल कलर का है, लाल लिए हैं ताकि मेरे को रात में बाइक वगैरह कुछ भी चलाने में दिक्कत ना जाए। और इसको लगाने के बाद मानो ऐसे लगता है जैसे मैं बादल में उड़ रहे हैं। ए भाई ए निकला बना।